नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश के खड़ूल में जो मंदिर अवस्थित है, जगत तारिणी माता का मंदिर, 4, 5 और 6 वहां पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार की खास बात यह है कि उस मंदिर का रजत वर्ष है, इस बार अर्थात 25वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। मुख्य आयोजक डॉक्टर राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। इन्होंने प्रेस वार्ता में पूरे ब्रीफ से जानकारी दी है, अब हम इनसे जानते हैं। सर, प्रश्न दो तरीके से हैं। पहले तो ये कार्यक्रम के विषय में कि आपने वैसे सारी बात बता दी है, अन्य वर्ष ये विगत कई वर्षों से चलता आ रहा है, तो अन्य वर्षों की अपेक्षा रजत वर्ष होने को लेकर इस बार क्या कुछ खास तैयारियाँ हैं? नमस्कार, जय माता दी। जगत तारिणी माता मंदिर खड़ूल, जो कि तहसील पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में यहाँ स्थापित है, उसका 25वां वर्ष यानी कि रजत जयंती समारोह इस बार हम 4 से 6 जून को मना रहे हैं। हर साल यानी कि पिछले 24 सालों में इस कार्यक्रम को करते रहे हैं, सिवाय इसके कि 23वां और 24वां कार्यक्रम के समय में कोविड रहा और वो कार्यक्रम बहुत ही लिमिटेड तौर पर रहा, मात्र हवन के बाद में उस कार्यक्रम का को सीमित किया गया। लेकिन उस समय भी हम लोगों ने कोरोना के समय में कार्यक्रम में आमतौर पर जो राशि खर्च होती है उसी के बराबर की राशि की हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मानव कल्याण के लिए यहाँ के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उन लोग को दिए, ताकि उनको हम अधिक से अधिक सक्षम करें और भी साथ में कुछ और सुविधाएं यहाँ के लोकल लोगों को कोरोना काल में दी गई। तो 25वां वर्ष वास्तव में 2 साल के अंतराल के बाद आ रहा है, जब लोग बाहर निकले हैं। हम लोग बहुत ही लक्की हैं, खासतौर पर जो लोग अब इतने बड़ी महामारी के बाद यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उस कार्यक्रम के साथ जुड़ पा रहे हैं। ऐसे में माँ भगवती की कृपा से हम लोग जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं अधिक भव्य तरीके से, और हमारे यहाँ जितने भी गांव खड़ूल के और आसपास के लोग हैं इसमें इस वक्त जुड़े हैं। ख़ासतौर पर 500 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को करने में लगे हुए हैं और अलग अलग जगहों से हैं। अभी तक ये कार्यक्रम हमारे गांव और तहसील तक सीमित था, लेकिन इस बार इसको पूरे राज्य स्तर पर और अंतर्राज्य स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। जबकि वॉलीबॉल की जो टीम है वो दूसरे राज्यों से भी आ रही हैं, ऐसे कुश्ती यानी दंगल भी यहाँ जो हो रहा है वो भी अंतर्राज्य स्तर पर हो रहा है। और ऐसे में कल्चर में ख़ासतौर पर एक बहुत रुचि हमारे यहाँ के बालक बालिकाओं ने ली है, और उसमें भी इंटर स्टेट और साथ में स्टेट कंपटीशंस होंगे, और इंडिविजुअल तौर पर भी जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट हैं, उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में एक उत्साह पूर्वक मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। 2 साल का अंतराल और 24 साल का लंबा अरसा गुजरने के बाद 25वां वर्ष वास्तव में अपने आप में एक इतिहास लिखने जा रहा है, और माँ भगवती की कृपा से हम इस सबको यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। सर, दूसरा पहलू ये है कि आपने प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल की जो लोक संस्कृति है और यहाँ की जो हस्तशिल्प चीज़ें हैं उससे संबंधित बातचीत की, लोकल फॉर वोकल की बात करी आपने, तो क्या आने वाले समय में ये समझा जाए कि जब यहाँ से आप दिल्ली जाएंगे तो ये चीज़ यहाँ से भी जाएगा कि यहाँ के जो लोक संस्कृति और जो लोक कलाएं हैं या जो लोग हस्तशिल्प और इन चीज़ों में काम कर रहे हैं उनके भी दिन बदलेंगे, सरकार भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रही है, क्या कुछ पहल आपके निजी रूप से होगी? देखिए, वास्तव में जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मात्र रिलीजियस कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम लोग पिछले वर्षों में भी, पिछले 24 वर्षों में हम लोगों ने इस कार्यक्रम के थ्रू कोशिश की है कि क्राफ्ट, कल्चर और क्विजिन, इन तीनों चीज़ों को हम आपस में जोड़ें और इससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें। क्राफ्ट, कल्चर और क्विजिन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर वास्तव में क्राफ्ट के जरिए क्राफ्ट पर्सन की बात होती है, जो कि वास्तव में हमारे पूरे एक सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें 70 लाख आर्टिसन पूरे देश से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हिमाचल से भी लाखों आर्टिसन उसमें जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम जब कल्चर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ का हेरिटेज है और यहाँ की परंपरा है और यहाँ के लोग हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर क्विजिन की बात करें तो वास्तव में हिमाचली फूड है और हिमाचल के लोग हैं और हिमाचल की परंपराएँ, फूड से जुड़ी हुई परंपराएँ हैं। ये सब चीज़ों को साथ लेकर के हम वास्तव में इसको एक फेस्ट के तौर पर, इसको एक बहुत बड़े आयोजन के तौर पर यहाँ रखते हैं, और मैं समझता हूँ इसके कार्यक्रम के साथ साथ इससे जुड़ी हुई जो टैलेंट्स हैं वो वहाँ पर हमारे सामने आती हैं, और इन सब टैलेंट्स को
हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और उन टैलेंट्स को हम पूरी तरह से उनको श्रेय भी देते हैं, उन लोगों का सम्मान भी करते हैं और उन सब लोगों की पहचान भी बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ अपने आप में यह एक मात्र रिलीजन की बात हम नहीं कर रहे, मात्र एक रिलीजियस फंक्शन की बात नहीं कर रहे, बस उससे हट करके बाकी सभी कनेक्ट हैं जो कि एक पूरी सोसाइटी को डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, उसकी हम जिक्र यहाँ पर करेंगे। दुनिया भर के लोगों ने 19वीं सदी दूसरे देशों का रहा, 20वीं सदी दूसरे देशों का रहा। कहा जाता है 21वीं सदी हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। ये चीज़ें जो सर ने भी बताई, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं ना कहीं हमारे विकास का जो मौलिक व मूल तत्व है वो हमारे अध्यात्म, संस्कृति और लोक कलाओं में छिपी होती है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण खड़ूल माता जगतारिणी मंदिर प्रांगण में आपको कल से 6 जून तक देखने को मिलेगा। और ये पहली बार नहीं, विगत कई वर्षों से होता रहा है। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़, रंजन अभिषेक, हिमाचल प्रदेश।